Dear student, equality of matrix जो पहले की जो videos थी हमारी, हमने इसमें introduction of matrix के बारे में जाना था और इससे relative क्या चीजें थी, हमने एक formula भी सीखा था row by column के order pair हम कैसे निकालते हैं, हमने ये भी जाना था। आज हम equality of matrices के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था matrix singular है और उसकी many जो है वो matrices है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। First of all, I take a two matrix, for example एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, ए मैट्रिक्स और वन टू थ्री एंड फोर, या इसको हम छोड़ देते हैं, एक मैट्रिक्स ऐसे ही राइट करते हैं कि भाई ये एक हर वन मैट्रिक्स है और ए बी सी एंड डी, ये कंडीशन, ये मैट्रिक्स है। और आपको पता है कि मैट्रिक्स को ऑलवेज जो हम अपीयर करते हैं वो इंग्लिश के अल्फाबेट से मैट्रिक्स को जाहिर करते हैं। अभी हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानना है। इक्वल का साइन आपको पता होगा, हमारे पास ये इक्वल है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। अब सबसे पहले हमने जो यहाँ पे, जब भी हम लास्ट टाइम मैंने आपको तफसील से बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगा, हमारा ज़्यादातर सवाल जो हम करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही करेंगे। तो हमने वहाँ पे दो चीज़ें सीखी थी कि स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है उसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन जानेंगे कि ऑर्डर पेयर शुड बी सेम होंगे, आपने यानी ऑर्डर पेयर शुड बी सेम, यानी एक तो कंडीशन हमारे पास ये हो जाएगी ऑर्डर पेयर क्या होंगे, नंबर वन हम इसको कह लें तो ऑर्डर पेयर हमारे पास शुड बी सेम, एक जैसे होंगे, यानी ऑर्डर पेयर। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में होगा रिस्पेक्टिव एलिमेंट शुड बी इक्वल, रिस्पेक्टिव नंबर टू जो हमारे पास है हम लिख ऊपर लिख देते हैं नंबर टू को, रिस्पेक्टिव एलिमेंट should be equal। ये हमारा दूसरा हो गया कि जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, should be equal, वो बराबर होंगे। सही, अब थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम नंबर वन, इसको नंबर टू, चलिए अरेंज में आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन पे हमने ध्यान देना है कि ऑर्डर पेयर जो होंगे वो शुड बी सेम होंगे। अब ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि इस तरह ये जो रो है और ये सेकेंड रो, हम इसको कह सकते हैं कि आर वन रो है, पहली रो है, ये आर टू रो है, और कॉलम वर्टिकल कंडीशन में आते हैं, परपेंडिकुलर, सही है। तो एक कॉलम ये C1 कॉलम हो गया और ये C2, यहाँ भी कर लेते हैं इसकी रो, ये R1 हो गई रो, पहली रो, इसके एलिमेंट A, B एलिमेंट की लाइन है, यानी प्रिंस भी हम कहते हैं इसको, और ये रो नंबर टू, कॉलम नंबर ये वन एंड ये कॉलम नंबर टू, है वी क्लियर। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आई हैव टू मैट्रिक्स, ये इक्वल है,
हमने देखना है ये अपने नेबर मैट्रिक्स के वो किस तरह है। हमने देखिए यहाँ पे रो 1 और 2 है और यहाँ पर अगर आप देखते हैं कंसीडर करते हैं यहाँ भी इक्वल है, यानी ऑर्डर पेयर का जो फार्मूला हमने बनाया था याद है आपको क्या बनाया था हमने, ऑर्डर पेयर मैट्रिक्स का नाम नहीं है तो हम लिखते थे क्या है आर बाय सही इंटू नहीं पढ़ेंगे आर बाय सी कहेंगे। अब रोज कितनी है 2 और कॉलम भी 2 है, अगर यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं ऑर्डर पेयर इसके तो यहाँ भी वही कंडीशन है से R by C तो 2 रोज है और 2 कॉलम है, यानी अगर हम इक्वलिटी देखें यहाँ पे रोज हमारे पास ए इक्वल है से अच्छा सॉरी कॉलम में राइट कर रहे हैं यहाँ पे रोज भी हमारे पास 2 है और कॉलम भी 2 into 2 या 2 by 2 इसको हम रीड करेंगे। अब देखिए दोनों के ऑर्डर पेयर अगर आप देखते हैं माय डियर तो आपको दोनों के ऑर्डर पेयर सेम नजर आ रहे हैं, यानी ऑर्डर पेयर दोनों के हमारे पास सेम है। तो हमारी पहली कंडीशन थी रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो है शुड बी इक्वल, एलिमेंट जो भी हमारे रिस्पेक्टिव होंगे वो से क्या होंगे इक्वल होंगे। फिर इसके बाद ऑर्डर पेयर जो हमारे पास होंगे शुड बी सेम, यानी आप देखिए यहाँ भी ऑर्डर पेयर सेम है और यहाँ भी है और एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम इनको काउंट करें तो 4 एलिमेंट्स यहाँ भी है और 4 ही एलिमेंट्स यहाँ भी है, तो ये हमारे पास इक्वलिटी बिटवीन द मैट्रिक्स कहलाएगा कि दो मैट्रिक्स में हमने देखना है ये वो एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि गिवन सवाल जो हमने आपको दिया है उसमें इक्वल टू साइन हमने लगा दी तो इसका मतलब है ये इसके इक्वल है। और इसी तरह अब हम कैसे इसको कॉपी कर ले आप अब हम क्या करते हैं अब हमने करना क्या होगा फॉर एग्जाम्पल लिए फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये कहलाएगा 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या है हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये एलिमेंट है अगर आपको याद हो और हम इनको इंक्रीज भी कहते हैं क्या कहते हैं इंक्रीज भी कहते हैं एलिमेंट। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकंड मैट्रिक्स है और इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो ये 1 इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी ये इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। इसी इक्वल को हम उस सूरत में साबित कर सकते हैं जब हमारे पास रिस्पेक्टिव एलिमेंट शुड बी इक्वल हो और ऑर्डर पेयर शुड बी सेम हो। तो अब हमारे पास सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का तो ये इक्वल किसके होगा इसी के सही फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। ये सिंपल है जस्ट लाइक दिस ये हमारे पास सेकंड रो है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो ये सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा सी। इसी तरह 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा डी तो यानी एक दूसरे के ये इक्वल है। आप जब भी प्लस करेंगे माइनस करेंगे आपने इक्वलिटी पे ध्यान देना है, अगर मैट्रिक्स इक्वल है से एक दूसरे के ऑर्डर पेयर के लिहाज से भी शुड बी सेम होना चाहिए, फिर उसके बाद रिस्पेक्टिव सही एलिमेंट्स जो गिवन आपके दिए हुए हैं वो भी शुड बी इक्वल होना चाहिए तो वो सवाल आप आसानी से आप कर लेंगे उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। इसको कॉपी कर ले यस डियर स्टूडेंट लुक एट द व्हाइट बोर्ड आई रोट टू मैट्रिक्स हियर टी प्लस टू ए एस माइनस 4 7 3 5 6 फॉर एग्जाम्पल आई सेड यू फाइंड टी एंड एक्स वैल्यू इन गिविंग
ये कि भाई हम अच्छा देखिए टी प्लस टू ये फर्स्ट एलिमेंट ही बुलाएगा, इसी तरह एच माइनस फोर तो ये सेकंड रो है और इसका ये सेकंड एलिमेंट ही कहलाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप बहुत आसान तरीका कि आप इनको इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके सेकंड जो मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, सही। इसी को हम क्या कहेंगे टी प्लस टू इक्वल टू सेवन। इसी तरह एट इक्वल टू क्या है, एट इक्वल टू थ्री है, ए इक्वल टू फाइव एंड एस माइनस फोर इक्वल टू सिक्स, ये एक दूसरे के इक्वल आप है। अब देखिए हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है कि कहता है कि टी और एक्स की वैल्यू, तो बहुत ही आसान है, इसको आप कॉपी करें। अब हमने यहां पे दो की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक क्या करना है एक्स माइनस फोर इक्वल टू सिक्स, यानी ये वैल्यू आपने निकाल ली, यहां एक्स की वैल्यू यहां से आपने आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, लुक एट हियर, हमने अब देखिए यहां पे इक्वेशन के जो उसूल है उनको अप्लाई करेंगे। हमने टी फ्री करना है टी, तो ये प्लस टू जो है वो पॉजिटिव है तो यहाँ के क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो टी फ्री हो गया, तो टी की वैल्यू सेवन में से लेस कर दे टू, तो टी इक्वल टू फाइव हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे भी आ जाए, ये माइनस का फोर है अदर साइड ले जाएंगे तो प्लस का फोर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ निकल के आ जाएगी टेन। तो ये उसी सूरत में होगा जब हम ये देखेंगे कि एक मैट्रिक्स दूसरे के से ये बराबर है और उसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ऑर्डर शुड बी सेम होना चाहिए और फिर उसके बाद रिस्पेक्टिव सही है एलिमेंट जो है जो गिवन आपको दिए जाते हैं वो भी शुड बी इक्वल होना चाहिए, तो हम आसानी से इसको हम कर लेंगे। तो ये मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप इसको करेंगे।